नया सत्र 26 शुरू होगा, राज्यपाल का अभिभाषण से शुरू होगा। ये मेरा काम है, ये काम मेरा है, आपका नहीं है। बात सुन, आप चुप रहिए। आप आज पहले ही दिन मेरे को कठोर कार्रवाई के लिए मजबूर न करें। अरे आप ऐसे, आप कैसे खड़े हो गए? अरे आप तो बीमार हो, आप कैसे खड़े हो गए? आप बैठे। संविधान के अंदर 176 के अंदर ये कहा गया है कि जब भी नया सत्र शुरू होगा तो राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा। दूसरा ये कहा गया आप चुप रहिए कि नव निर्वाचित नई विधानसभा जब भी आएगी उसका प्रथम सत्र जो है राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा। आपने अभिभाषण शुरू कराया पिछली जो विधानसभा आपने बुलाई दिसंबर के अंदर, और दिसंबर के अंदर जो विधानसभा आपने बुलाई जिसमें माननीय सदस्यों की शपथ हुई, और उसके बाद 19 जनवरी को राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ, और उसके बाद में मार्च में आपने सत्रावसान कर दिया। वो जो सत्र आपका था वो दिसंबर का था, आपने उसका बीच में सत्रावसान नहीं किया, वो कंटिन्यू चला है। हो गई बात। ये संविधान को चैलेंज करने वाले इससे पहले भी, अरे आपको जवाब दे रहे हैं, इससे पहले भी ऐसा उदाहरण आया है। आप बात तो सुनिए, आप बात सुनिए, आप चुप रहिए। आप आज पहले ही दिन मेरे को कठोर कार्रवाई के लिए मजबूर न करें। कान खोल के सुन ले, मेरे को कठोर कार्रवाई के लिए मजबूर न करें। आपने बोल दिया, उत्तर सुनिए, ध्यान आ गया। इससे पहले भी 93 के अंदर सेम स्थिति हुई थी। दिसंबर 31 को विधानसभा बुलाई गई, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ, और उसके बाद दोबारा फरवरी के अंदर भी राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ है। आप इसका एग्जामिन करवाइए। सही बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, हम संविधान की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। आपकी बात आ गई, संविधान की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। ये आज की जो बैठक है ये संविधानिक है। मंत्री बोले, ये बैठक है संविधानिक है। बात हो गई, ये संविधानिक का जवाब सुन लो। माननीय प्रतिपक्ष, संविधान का जवाब सुन लो। सुनिए, उत्तर हो गई, जवाब सुन लो, अभी जवाब सुन लो, संविधान का जवाब। डोटासरा जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, संविधान का जवाब सुन लो, संविधान का। इनको बात हो गई, जवाब का सुनना है कि नहीं? संविधान का जवाब सुनना है कि नहीं? मैं व्यवस्था देता हूँ, संविधान का जवाब इतना जवाब दे रहा हूँ। बैठिए, आपको कहना जाए फिर मैं व्यवस्था देता हूँ। आपको पहले मेरे को सुने। अरे कानून मंत्री उत्तर तो देगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अरे आपकी बात आ गई ना, बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, अरे बात हो गई पूरी, आ गई ध्यान में। अरे सब मैंने कर ली भाई, अरे सब आ गई। माननीय, हो गई बात, हो गई, बने रहो। आ गई, अब एक बात सुन ले, फिर सुन लो। अरे दोबारा आवश्यकता होगी तो दोबारा बोलना। बिना अनुमति के बोलना असंवैधानिक है। अरे बिना आसन की अनुमति के बोलना। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, शांति से। संविधान की, संविधान का आधार लेके इस तरह का गलत इंटरप्रिटेशन, कानून के विरुद्ध इंटरप्रिटेशन, या तो जानकारी नहीं है या जानकारी होते हुए जानबूझकर छिपाया गया है।